दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज जो बातचीत हम करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट वो बात है। और देखो, मोटिवेशन की बात नहीं है, अगर मोटिवेशन की बात है तो मैं आपसे मोटिवेशन में बात करूँगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, समझने की कोशिश करना इसको। और जो बंदे, जो साथी, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो बिजनेसमैन है, मैं आपको बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर ही बोलूँगा, क्योंकि आप मेहनती लोग हो, लोगों का जरिया बन रहे हो, लोगों को रोजगार देने का जरिया बन रहे हो, आप लोगों के घरों तक खुशहाली पहुँचाने का जरिया बन रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, नौकरी करने वाले नहीं हो आप, तो आप लोगों को मैं एंटरप्रेन्योर बोलता हूँ, खुशी महसूस किया करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दूसरे व्यक्ति को भी रोजगार प्रदान कर सके। तो दोस्तों, बात जो होने वाली है वो सक्सेस के ऊपर होने वाली है, कामयाबी के ऊपर होने वाली है, कि एक्चुअल में हमारे को जो हम कामयाब होना चाहते हैं किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे को किस बात की ज़रूरत पड़ेगी, और जितने भी नए लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं, आप लोगों को भी वो ज़रूरत पड़ने वाली है। वो सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में किसी भी व्यापार में, बिजनेस में, तो वो पड़ेगी दोस्तों माहौल की। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, आज तक हम जिस माहौल में रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रहे हैं, मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के माहौल में रखता था जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं। और एक्चुअल में क्या है, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो बिजनेस पढ़ाते नहीं हैं, और जो बिजनेस पढ़ाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं है बिजनेस में। तो ये अलग अलग दोनों बातें हैं। तो आपको उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो बिजनेस में सक्सेसफुल है, और उनको अपने पास नहीं बुलाना, उनके पास आपने जाना है, उनके माहौल में आपने जाना है, उनकी ट्रेनिंग्स में जाना है, उनकी बुक्स पढ़नी है, उन लोगों के नजदीक रहना है। और एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था कि सुबह सुबह जब आप कोई किताब लेके बैठते हैं ना, तो एक्चुअल में वो किताब नहीं होती, वो उस बंदे का माहौल होता है जिसके बुक आप पढ़ रहे हो। अगर आप सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप की बुक पढ़ रहे हो, सुबह सुबह आप बिल गेट्स की बुक पढ़ रहे हो, धीरू भाई अंबानी जी की जीवनी पढ़ रहे हो, सचिन तेंदुलकर जी की जीवनी पढ़ रहे हो, किसी भी कामयाब इंसान की जब आप जीवनी पढ़ रहे हो, उसका कोई वीडियो देख रहे हो, उसकी कोई चैटिंग देख रहे हो, तो आप उस व्यक्ति के साथ एक चाय का कप पी रहे हो सुबह बैठ के। एक बुक पढ़ने का, एक वीडियो देखने का ये मतलब होता है। तो आपको उस व्यक्ति के माहौल में रहना, उस व्यक्ति को अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखना है, जैसा आप बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको एक माहौल की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में हमारे को माहौल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी खानदान में, हमारी सात पीढ़ियों में किसी ने वो काम नहीं किया जिस काम को हम करने चले हैं, तो आपको वो माहौल की जरूरत पड़ेगी। तो उस माहौल में आपने रहना है। मैंने भी यही किया था, आपको भी यही करना पड़ेगा। उस माहौल में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक्स पढ़िए जैसे आप बनना चाहते हैं, ठीक है ना। ये बोला गया है कि अगर आपको चोर बनना है तो चोरों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिकली चोरी करना सीख जाओगे। आपको शराबी बनना है तो शराबियों के साथ बैठना शुरू कर दो, किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शराबी बन जाओगे। तो एक्चुअल में क्या है, हमारे अंदर सब कुछ है, सब हुनर हमारे अंदर है, सिर्फ एक माहौल की जरूरत पड़ती है। आज तक वो माहौल हमारे को नहीं मिला, जैसा माहौल हमारे को स्टार्टिंग से मिला वैसे ही हम बन गए। तो मतलब ये बोला भी गया कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, और किसी भी फ्रूट को अगर आप दूसरे फ्रूट के साथ रख दें, आप फ्रिज में इस बात को देखना, फ्रिज में अगर कोई फ्रूट रखा है और दूध भी रखा है, उस दूध के अंदर उस फ्रूट का फ्लेवर आ जाता है। तो जब फ्रूट में फ्लेवर आ जाता है, जीवन ट्रांसफर हो जाता है, तो हम तो फिर भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे अंदर तो बुद्धि है, ठीक है जी। तो हमारे अंदर भी वो वही का वही सिस्टम चलता है, जैसा हम लोगों को देखते हैं, जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं वैसे हम भी बन जाते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बहुत उद्यमी इंसान बनना है तो उद्यमी लोगों के साथ मिलना स्टार्ट कर दीजिए, उनकी संगति में रहना स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसे लोगों के बीच में आप रहोगे वैसे ही आप भी बन जाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताना था। तो आज के बाद
जैसा आप बनना चाहते हो पहले उस इंसान को ढूंढिए जैसा आप बनना चाहते हो, और जब वो मिल जाए तो उसके साथ रहना स्टार्ट कीजिए। ऐसी किताब ढूंढिए जैसा आप बनना चाहते हो, उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसे वीडियोस ढूंढिए प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ऐसे पेजेस ढूंढिए जैसे आप बनना चाहते हो, उनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, आप भी बन जाओगे। तो यही है पहला पॉइंट। इसके चार पॉइंट हैं। पहला माहौल है, माहौल के बाद क्या होता है वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता है। तो सक्सेस का सबसे पहला मूल मंत्र यही है, कामयाबी का सबसे पहला मूल मंत्र यही है कि माहौल में रहना स्टार्ट कीजिए। कैसे माहौल में? जैसा आप बनना चाहते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अच्छा ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। शेयर किसको करना है? लेकिन शेयर करने में मैं वही बात हमेशा बोलता हूँ, शेयर करने से पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप इसको समझ चुके हैं या नहीं। समझ गए हैं तो शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रोथ देने का जरिया बनिए, लोगों को आगे बढ़ाइए। जब लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और इस दुनिया में सबका भला होगा, तरक्की होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय माता दी।